नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। आज मैं नई बुक सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, टी हार्व एकर की बुक पढ़ने जा रही हूँ। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड सफलता चाहने और सफलता पाने के बीच की पायदान को प्रकट करती है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग ज़िंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यताओं, टाइमिंग, काम की आदतों, संपर्कों, किस्मत या नौकरी, बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? सदमे भरा जवाब है, इसमें से किसी कारण नहीं। अपनी ज़बरदस्त पुस्तक सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड में टी हार्व एकर यह दावा करते हैं, 5 मिनट में मैं बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। एकर अपने धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर यह काम करते हैं। हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी, शेयर बाजार, रियल इस्टेट और वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है तो आपके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद यह उसे जल्दी ही गंवा देंगे। अच्छी खबर यह है कि अब आप स्वाभाविक और सहज सफलता उत्पन्न करने के लिए अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड में दरअसल एक नहीं दो पुस्तकें। पहला खंड यह स्पष्ट करता है कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है। टी हार्व एकर की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह हास्य और भावनात्मक प्रबलता के असाधारण तालमेल से आप सीखेंगे कि आपके बचपन के प्रभावों ने आपकी आर्थिक तकदीर को किस तरह तय किया, या आप भी सीखेंगे कि अपने खुद के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और इसे कैसे बदलना है, ताकि आप न सिर्फ सफलता पा सकें बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे कायम रख सकें और लगातार इसका विस्तार कर सकें। यह टी हार्व एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता हूँ, मेरे एक भी शब्द का भरोसा मत करना। मैं यह सुझाव क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूँ वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले। बहरहाल, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पुस्तक में दिए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए ना पढ़ें, इसे तो इस तरह पढ़ें मानो आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर निर्भर हो। फिर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हो उसे जारी रखें और कारगर साबित ना हो उसे छोड़ दें। जाहिर है इस मामले में मैं पूर्वाग्रह का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यह बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की कोई खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है। जैसा शायद आप अब तक की ज़िंदगी में जान ही चुके होंगे, इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है।
बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, सीडी या टेप सुने होंगे, कई कोर्सों में गए होंगे और रियल इस्टेट, शेयर बाज़ार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीकें सीखी होंगी। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उनमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई और उसके बाद वे जल्द ही पुरानी स्थिति में लौट आए। आखिरकार एक जवाब मिल गया। यह सरल है, यह नियम है और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान लें, चाहे जो कर लें, किसी चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोग का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, द्वयमता या वित्तीय सफलता, असफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है, इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें असफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलें को बदल लें, ताकि आपकी अमीरी की तरह सोच सकें और सफल हो सकें। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यवहारिक कदम दर कदम रणनीतियां भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड एक में हम स्पष्ट करेंगे कि हम में से हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की चार मुख्य रणनीतियों की रूपरेखा भी बताएंगे। खंडों में हम यह सब जांच करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्यवर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यहाँ हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी पुस्तक में हम अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ईमेल्स के चुनिंदा उदाहरण भी देंगे जिन्होंने द मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में ज़बरदस्त सफलता हासिल की। तो मेरा अनुभव क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या मैं हमेशा से सफल था, काश ऐसा ही हुआ होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता नज़र आती थी, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था, मुझमें सफल होने का एक तरह से जुनून था। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए, हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियाँ और परिणाम बद से बदतर हो जाते रहे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज़ के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था, कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया।
मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों कड़का था? श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी? इसलिए मैं गंभीरता से चिंतन किया इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थीं जिनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात यह कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को भी मटिया मेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी की मुझ में इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूँ तो क्या होगा? किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आते थे और उन्होंने गुजरते समय देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक संतप्त परिजनों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हार मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा, इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार से उखड़ते पेंट को देखने में। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूँगा। ओह नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है, आखिरकार उन्होंने कहा। हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन अफसोस मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह से अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमज़ोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मिलते हैं, हालांकि वे तो बाहर चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल पे उतर गई हैं। दूसरी कोई चीज़ मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करके मैं क्या हर्ज है।
करने में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था। अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियाँ सीखीं जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूँ। आखिरकार मैंने कहा, इस बारे में उठापटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। चूँकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला जो वहाँ खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीजा कार्ड से $2,000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनके कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं जब तक कि मैं मिलेनियर या इससे ज़्यादा ना बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नज़रिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी। इसलिए मेरा अध्ययन अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कही हर बात सच है। बहरहाल अब मैं कई तरह से यह जान चुका हूँ कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? ओह बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। ये वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्चून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16,00,000 में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यवसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वे अपने साथ दोस्तों, पार्टनर्स और सहयोगियों को भी ला रहे थे। जल्दी ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा, सो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यवसायिक रणनीतियां सिखाने लगा। जब मैं अपने सेमिनार में जाने के लिए महाद्वीप में हर तरफ यात्राएं कर रहा था तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। 2 लोग एक ही कमरे में पास पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियां सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है उसके ठीक पास बैठे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है, ज़्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे महान औजार हों, लेकिन अगर उसके टूल बॉक्स में
इस वक्त अपने सिर की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं छोटा सा भी छेद है टूल बॉक्स में, छोटा सा भी छेद है तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था, मैंने धन और सफलता के अंदरूनी खेल का एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम है द मिलेनियर माइंड इंसेंटिव। द मिलेनियर माइंड इंटेंसिव। जब मैंने अंदरूनी खेल टूल बॉक्स को बाहरी खेल औजारों से मिला दिया तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। इस पुस्तक में आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जी सकें, यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या लगातार जारी रहने वाला सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूँ, मैं जो सिद्धांत सिखाता हूँ उनका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं और अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसाय आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूँ और मैं जिस चीज़ में भी हाथ डालता हूँ वह सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब यह है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट है। जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो यही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। हमारे मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार की शुरुआत में ही मैं सहभागियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ सीखने आए? यह थोड़ा चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जास बिल्सिंग ने कहा था, हम जो नहीं जानते वह हमें सफल होने से नहीं रोकता। इसके बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में। या आपके लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ तक ले जाएंगे, ले आए हैं जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाएं और विचार करने का आग्रह करता हूं जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों को सही या अपने लिए उचित मानते हों, लेकिन शायद वे ऐसे ना हों। हालांकि मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें। इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों लोगों ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात पर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है, या उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वह लटका रहा और आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वह लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? अंततः एक बहुत तेज गूंजती आवाज़ सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। यह सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत आसान है, अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हो तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीके को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः
अपने आप सामने आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। थैंक यू सो मच।